हैं, मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का दौरा मैक्सिको कामयाब करार। कैनेडा और मैक्सिको ने रियासत हाई मुतहदा के खिलाफ एक बड़ी तजारती जीत हासिल की। खित्ते में मजीद सामान बनाने और सेमी कंडक्टर की पैदावार को बढ़ाने पर इत्तेफाक। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की सुप्रीम कोर्ट की ईरानी असासों को जब्त करने की मुखालफत। कैनेडियन हुकूमत के मुताबिक बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक अदालत को असासे जब्त करने की इजाज़त देने का इख्तियार नहीं है। ईरानी हुकूमत को अब भी सिफारती मरात और इस्तस्ना हासिल है। हवाई अड्डे पर 7 माह से फंसे शामी पनाहगुज़ीन को कैनेडा की शहरियत मिल गई। अलकोंतार का कहना है कि पनाह तलाश करने के लिए उनकी तवील जद्दोजहद बिल आखिर दुरुस्त साबित हो गई। मुझे उम्मीद है कि मैं अब जल्द अपने खानदान से मिलूंगा। म्यांमार के फिजाई तैयारों की भारतीय इलाके में बागियों के कैंप पर बमबारी। म्यांमार के महकमा दिफा का कहना है कि म्यांमार की हुकूमत ने मुतअद्दिद बार खबरदार करने के बाद तंग आकर बड़ा एक्शन लिया है। बागी तंजीम से मुंसलिक मुतअद्दिद दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तला है। अमरीकी एविएशन का सिस्टम डाउन, मुल्क भर में परवाजें मौखर। अमरीकी हवाबाजी इदारे के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी की तहकीकात। मुस्तकबिल में ऐसी किसी बंदिश की रोकथाम को यकीनी बनाने का भी जायजा लिया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के रहनुमाओं ने मैक्सिको सिटी में एक सरबराही इजलास में इक्तिसादी तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दौरा मैक्सिको को कामयाब करार दिया जा रहा है। कनाडा और मैक्सिको ने बुध को रियासत हाई मुतहदा के खिलाफ एक बड़ी तजारती जीत हासिल की, जब वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सह फरीकी सरबराही इजलास को समेट लिया, जिसका मकसद शुमाली अमरीका की कामयाबी का रास्ता तय करना था। कैनेडा, मैक्सिको और ऑटो कंपनियों को नए नाफ्टा के तहत काबिल एतराज और सबसे अहम तजारती तनाजे में फातिहा करार दिया गया है, जो ऑटो पार्ट्स की असलियत का हिसाब लगाने के मामले में अमरीका को हारने वाले फरीक के तौर पर खड़ा कर रहा है। तवील मुतवक्के फैसले इसमें शामिल फरीकैन को हफ्तों तक मालूम था, फिर भी उसे इस वक्त तक अवामी रिहाई से रोक दिया गया जब तक के शुमाली अमरीका के रहनुमा इस हफ्ते मैक्सिको में होने वाले एक सरबराही इजलास में इकट्ठे नजर न आए। कैनेडा, मैक्सिको और ऑटो इंडस्ट्री अब 5 रुकनी बैनुल अक्वामी पैनल के फैसले का जश्न मना रहे हैं। तनाजा नए नाफ्टा के नतीजे में शुरू हुआ, जो असल में ट्रंप इंतजामिया के तहत 2018 में पहुंचा था। नए तजारती मुहिदे में टैरिफ से बचने के लिए शुमाली अमरीका से मजीद हिस्सों की जरूरत है, जो ज्यादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रंप के तहफ्फुज़ पसंद दबाव का हिस्सा है। कनाडा, मैक्सिको और अमरीका के रहनुमाओं ने मैक्सिको सिटी में एक सरबराही इजलास में इक्तिसादी तावुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रहनुमाओं ने मंगल के रोज मैक्सिको सिटी में 2 रोजा सरबराही इजलास के बाद कहा है कि इससे इलाकाई शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। इजलास के दौरान अमरीका के सदर जो बाइडन, कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर ने इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया, जिसमें खित्ते में मजीद सामान बनाना और सेमी कंडक्टर की पैदावार को बढ़ाना शामिल है। मैक्सिको के नेशनल पैलेस में लगभग 2 घंटे के इजलास के बाद बाइडन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तीनों मुल्क सच्चे शराकतदार हैं। अमरीकी सदर ने कहा
जब हम तीनों मिलकर काम करते हैं ज़्यादा मजबूत और बेहतर होते हैं। कनाडा के सूबे ओंटारियो की सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन के तैयारे को मार गिराए जाने के मामले में ईरानी असासों को जब्त करने की मुखालफत की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटारियो की सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन के तैयारे को मार गिराए जाने के मामले में ईरानी असासों को जब्त करने की मुखालफत करते हुए एक हुक्म जारी किया जिसे इनकलाब मुखालिफ तहरीकों की शिकस्त समझा जाता है। अदालती फैसले के मुताबिक परवास PS752 के मुतासरीन के अहले खाना कनाडा में बाज़ असासों या बैंक अकाउंट्स को जब्त नहीं कर सकते क्योंकि इस मुल्क की हुकूमत उन असासों को कनाडा की मिल्कियत समझती है। इस्लामी जमहूरिया ईरान जो बैनुल अक्वामी कवानीन के तहत महफूज है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल सूबे ओंटारियो की अदालत ने 3 साल कबल ईरानी सरजमीन पर यूक्रेन के तैयारे को मार गिराने के वाक़े में हलाक होने वाले 5 अफराद के अहले खाना को मुआवजा अदा करने के लिए कनाडा में मौजूद $107 मिलियन की ईरानी इमलाक को जब्त करने का हुक्म दिया था। हादसे में जिंदा बच जाने वाले खानदानों के वकील मुआवजे के लिए कनाडा में ईरानी असासे जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदा बच जाने वाले खानदानों के वकला का कहना है कि ईरान का सिफारती इस्तेसना 1 दहाई कबल खत्म हो गया था जब कनाडा ने ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जिंदा बच जाने वाले खानदान ऑटोवा में 3 जायदादों पर कब्जा करने और रॉयल बैंक ऑफ कनाडा और स्कोटिया बैंक में ईरानी हुकूमत के बैंक अकाउंट से रकम निकालने के लिए अदालत से इजाजत तलब कर रहे हैं, जबकि कैनेडियन हुकूमत ने मार्च में इस केस की अदालती समाअत के दौरान एक बयान जारी किया था कि बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक अदालत को अहले खाना के ईरानी असासे जब्त करने की इजाज़त देने का इख्तियार नहीं है। इस बयान में कहा गया है कि ईरानी हुकूमत को अब भी सिफारती मरात और इस्तेसना हासिल है। हवाई अड्डे पर 7 माह से फंसे शामी पना गुजीन ने कनाडा की शहरियत का अपना ख्वाब पूरा कर लिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हवाई अड्डे पर 7 माह से फंसे शामी पना गुजीन ने कनाडा की शहरियत का अपना ख्वाब पूरा कर लिया। हसन अलकोंतार शायद अपने प्रिंसटन BC होटल के कमरे में अकेले ही जश्न मना रहे हों, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उसके पीछे पूरे मुल्क की हिमायत है। अलकोंतार समाजी तन्हाई के लिए कोई अजनबी नहीं है। शाम में खाना जंगी का एक पनाह गुजीन, उसने 2018 में उस वक्त दुनिया भर में सुर्खियां बनाई जब वो मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 7 माह तक फंसे रहे। एक तवील अफसर शाही के सफर के बाद अलकोंतार नवंबर 2018 में कनाडा पहुंचे, अपनी मुस्तकिल रिहाइश हासिल की और कैनेडियन रेड क्रॉस के साथ काम शुरू किया। ये वही काम है सैलाब की बहाली में मदद जो उसे प्रिंसटन ले गया, जहां उन्होंने एक वर्चुअल तकरीब के जरिए अपनी कनाडा की शहरियत हासिल कर रहा है। अलकोंतार ने कहा कि वो सुबह 4 बजे से जाग रहा था और अपने कमरे को मीपल के पत्तों की तस्वीरों से सजा रहा था जो शायद ही अपने जोश पर काबू पा सका। उन्होंने कहा कि आज मैं कैनेडियन हसन हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तमाम पनाह गुजीनों और पनाह गुजीन कैंपों से वो तमाम लोग जो आमरों और जंगी मुजरिमों के सामने आज़ादी का ख्वाब देखते हैं इन हालात से गुजरे जिससे मैं आज गुजर रहा हूँ। म्यांमार के जंगी तैयारों ने भारतीय हदूद में कायम मुतनाज़ा सरहदी इलाके में बागियों के कैंपों पर बमबारी की है जिसमें हलाकतों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। म्यांमार के जंगी तैयारों ने भारत हदूद में कायम मुतनाज़ा सरहदी इलाके थांतलांग में बागियों के कैंपों पर बमबारी की है जिसमें हलाकतों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के महकमा दिफा के ज़राए ने बताया कि मुक्ति बाहनी तर्ज पर म्यांमार की सरहद पर भारत ने मुबैना तरबियती कैंप कायम कर रखे हैं। म्यांमार में सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए चिन नेशनल फ्रंट 1988 से सरगर्म है जिसका मकसद दहशतगर्दी और सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाना है। ये नेशनल फ्रंट नामी सियासी तंजीम का कैंप है जिसके कारिंदों ने म्यांमार में दहशतगर्दी की वारदातें भी की हैं। महकमा दिफा के ज़राए ने बताया कि म्यांमार की हुकूमत ने मुतादिद बार खबरदार करने के बाद तंग आकर बड़ा एक्शन लिया है। भारत दहशतगर्दों को हथियार तरबियत और दीगर वसाइल फराहम करने के लिए पैसे का बेदरगीर इस्तेमाल कर रहा है। कुछ अरसा कबल इकोनॉमिस्ट ने 44 भारतीय बैंकों की मशकूक ट्रांजेक्शन्स का पता चलाया था। ये मशकूक ट्रांजेक्शन मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए की गई थी। बैनुल अक्वामी मीडिया रिपोर्ट ने ऐनी शाहिदीन से मौसूल होने वाली इत्तिलात की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि म्यांमार में भारत से जुड़े सरहदी इलाके और भारतीय फिजाई हदूद में कार्रवाई करके चंद नेशनल आर्मी के ठिकानों को जदीद लड़ाका तैयारों से निशाना बनाया है। हमले में खवातीन समेत बागी तंजीम से मुंसलिक मुतादिद दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तिलात है, ताहम अभी इसकी हतमी तादाद सामने ना आ सकी। फिजाई हमले में बागियों की तंजीम के कैंप विक्टोरिया हेडक्वार्टर की मुतादिद इमारात घर तबाह हुए। वाज़ेह रहे कि कुछ अरसा कबल बरतानवी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने 44 भारतीय बैंकों की मशकूक ट्रांजेक्शन का पता चलाया था। ये मशकूक ट्रांजेक्शन मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए की गई थी।
अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में फनी खराबी की तहकीकात अमरीकी सेनेट की कॉमर्स कमेटी करेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में फनी खराबी की तहकीकात अमरीकी सेनेट की कॉमर्स कमेटी करेगी। अमरीका में फेडरल एविएशन के सिस्टम ने अचानक काम करना बंद कर दिया था, जिसके बायस मुल्क भर की परवाजें बंद हो गई थी। अमरीका में फेडरल एविएशन के कंप्यूटर निज़ाम में खराबी से अमरीका भर में अंदरून बैरून मुल्क हजारों परवाजें ताखीर का शिकार और सैकड़ों मनसूख हुई। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम एयरलाइंस को हिदायत की है कि डोमेस्टिक परवाजों को कल सुबह 9 बजे तक मौखर कर दें, ताकि परवाजों और उनकी हिफाजती मालूमात की सालमियत की तौसीक की जा सके। अमरीकी सेनेट की कॉमर्स कमेटी की चेयरपर्सन मारिया कैंटवेल का कहना है कि कमेटी FAA के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी की वजह का जायजा लेगी और मुस्तकबिल में ऐसी किसी बंदिश की रोकथाम को यकीनी बनाने का भी जायजा लिया जाएगा। अमरीका में रात गए हवाबाजी निज़ाम में खराबी से अंदरून बैरून मुल्क की हजारों परवाजें ताखीर का शिकार और सैकड़ों मनसूख हो गई थी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी बयान में यह नहीं बताया कि खराबी किस नौयत की है। ताहम तर्जुमान का कहना है कि सिस्टम की खराबी को दुरुस्त करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कंप्यूटर सिस्टम में खराबी की वजह अभी मालूम ना हो सकी। खराबी को दूर किया जा रहा है। मुल्क भर में परवाजों की रवानगी और मअतली के हवाले से दी जाने वाली हिदायत वापस ले ली गई हैं। तर्जुमान एविएशन का मजीद कहना था कि वो एक ऐसे निज़ाम को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं जो पायलट्स को खतरात समेत हवाई अड्डे की सहूलियात और तरीक़ाकार में तब्दीलियों से आगाह करता है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।